नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है बॉयलर सेफ्टी वाल्व, प्रेशर सेफ्टी वाल्व। दोस्तों, सेफ्टी वाल्व वह एक डिवाइस होता है जो बॉयलर को सुरक्षा प्रदान करता है, बॉयलर के लिए रक्षा कवच माना जाता है। बॉयलर में सेफ्टी वाल्व का होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली दो सेफ्टी वाल्व तो होना ही चाहिए बॉयलर ड्रम के ऊपर, वैसे लीगली तीन होता है, दो सेफ्टी वाल्व बॉयलर ड्रम के ऊपर और एक लाइन के ऊपर, ये मस्त होता है दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे सेफ्टी वाल्व के ऊपर, इसमें एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है। एक तो पीएसवी है, पीएसवी प्रेशर सेफ्टी वाल्व, और दूसरा है पीआरएस प्रेशर रिलीफ वाल्व। दोनों जो है एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी वाल्व है, लेकिन दोनों का कार्य थोड़ा सा भिन्न है। काम दोनों प्रेशर को रिलीज करने का ही करता है, लेकिन दोनों दो तरीके से काम करता है। डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो में, आप बने रहिए और आपको मैं डिटेल में इसका पार्ट का हर एक पार्ट का नाम भी बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहो। और एक बात और, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला वीडियो आपको इजीली मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, बॉयलर सेफ्टी वाल्व। एग्जामिनर के लिए बहुत मस्ट है, जो भी परीक्षा देने वाले हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, बॉयलर सेकेंड क्लास के लिए, बॉयलर फायरमैन हो, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आगे बढ़े। इससे पहले हम आपको सेफ्टी वाल्व के बारे में बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो जानकारी है, वो आपको दे देते हैं। बेसिक जानकारी में क्या बॉडी पार्ट होता है दोस्तों, तो बॉडी पार्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पे। हर बॉडी पार्ट को मैं आपके सामने इंडिकेट कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके जूम आउट करके और डिटेल देख सकते हो। नॉर्मली कुछ होता नहीं है, ऊपर एक कैप होता है, नीचे एक चेक नट होता है, उसके बाद एक एडजस्टर नट होता है, उसके बाद फिर स्प्रिंग होती है, एक बार होता है, उसके बाद हैंडल होती है, बॉडी होता है, उसके नीचे डिस होता है, डिस होल्डर होता है, और नीचे सबसे नीचे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, वो नोजल होता है। मस्ट नोजल है और आपका डिस है और डिस बार है। आगे जानते हैं सेफ्टी वाल्व के प्रकार। दोस्तों वैसे तो सेफ्टी वाल्व के पांच प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं डिटेल में कौन कौन से होते हैं। पहला है लीवर सेफ्टी वाल्व, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपका लीवर सेफ्टी वाल्व है, ये बहुत कम जगह यूज होता है। दूसरा है डबल पोर्ट स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व, इसमें डबल स्प्रिंग होता है, डबल हैंडल होता है, ये भी देख लो आप लोग, आसानी होगी आपको और इसका ऑपरेट करने में भी थोड़ा सा इजीली होता है। दोनों हैंडल से ऑपरेट किया जाता है इसको। इसके भी कई टाइप आते हैं, इसका भी और अलग अलग टाइप है, देख सकते हो आप। दूसरा टाइप ये लो, ये देखो, ये भी डबल पोर्ट स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व है। और नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व। स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व की बात किया जाए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अक्सर हमारे सभी बॉयलर पे आजकल देखने को मिल जाता है, यही इसी का यूज ज़्यादा होता है। तो इसका ऑपरेशन और सेटिंग का वीडियो एक डाल दिया हूँ, आप लास्ट वीडियो के लास्ट में देख सकते हो। तीसरा है डेड वेट सेफ्टी वाल्व, ये भी बहुत कम चल रहा है, पहले कोचनार बॉयलर वगैरह चलता था तो उसमें यूज होता था, अभी बहुत कम चलन हो गया है, अभी तो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व का ज़्यादा चलन है। कोई नहीं, काम सबका एक ही है। और चौथा हम जान लेते हैं, चौथा है दोस्तों हाई प्रेशर लो वाटर सेफ्टी वाल्व, ये भी बहुत अपने ज़माने में फेमस था, अभी भी कहीं कहीं यूज होता है। जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी है, और जो चल रहा है उसके बारे में तो मोस्ट जानकारी होना ज़रूरी है।
यह है आपका सेफ्टी वाल्व का प्रकार। आगे हम बात करेंगे इससे रिलेटेड और भी कुछ बात करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो देख रहे हो एक ग्लोब वाल्व सेफ्टी वाल्व, ये पांचवा प्रकार है। ये बहुत कम जगह यूज होता है, खैर कोई नहीं, ये तो सेफ्टी वाल्व के प्रकार हैं लेकिन काम सभी का एक ही होता है। PRS और PSV, PRS और PSV दोनों वाल्व जो है ऑटो वाल्व है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग है। सेफ्टी वाल्व जो है, PSV वाल्व जो है, वो सेट पॉइंट पे जाने के बाद सडनली ओपन हो जाता है, लेकिन PRS वाल्व जो है वो स्लोवली ओपन और क्लोज होता है। इसका सेफ्टी वाल्व का प्रेशर जो है वो इन्वायरमेंट में छोड़ देता है, लेकिन ये किसी कंटेनर या किसी जगह पे ड्रॉप करता है, मिसयूज नहीं होता है PRS का सेफ्टी वाल्व। आगे एक आपके लिए वीडियो क्लिप लाया हूँ, देखिए, देखने के बाद फिर बताइए कि सेफ्टी वाल्व को कैसे सेट किया जाता है। आगे मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेफ्टी वाल्व को किस तरीके से सेट किया जाता है। सेफ्टी वाल्व को सेट करने के लिए उसमें सबसे पहले ये आगे ये पिन दी होती है, इसको हम निकालते हैं प्लास की हेल्प से। इस पिन को निकालने के बाद आगे वाली ये दूसरी पिन है, इसको भी निकाल देते हैं। इस पिन को निकालने के बाद इसके पीछे वाला जो हैंडल है इसको भी जेंटली खींच कर निकालते हैं इसे। इसके बाद इसके ये तीनों स्क्रू को लूज करके इसके ऊपर वाले कैप को अलग करते हैं। कैप को अलग करने के बाद अगर हमें प्रेशर की इसकी सेटिंग को बढ़ाना है तो नीचे वाले स्क्रू को लूज करेंगे और ऊपर वाले स्क्रू को टाइट करेंगे। टाइट होने के बाद इसकी सेटिंग बढ़ती जाएगी एज पर रिक्वायरमेंट, प्रेशर के हिसाब से इसकी सेटिंग को हम सेट कर लेंगे। मान लीजिए शुरुआत में इसकी सेटिंग अगर 10.5 kg थी और हमें 8 kg सेट करना है तो इसकी सेटिंग को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इसकी सेटिंग को कम कर देंगे और फिर नीचे वाले जो बोल्ट है इसको टाइट कर देंगे। अब यदि सेफ्टी वाल्व कंटिन्यू लीक है, सपोज करिए अगर 1 kg प्रेशर है तो भी सेफ्टी वाल्व के आउटलेट से स्टीम निकल रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले लॉक नट को लूज कर देंगे, पूरी तरह लूज करेंगे इसको। इसको पूरी तरह लूज करने के बाद नीचे के 6 बोल्ट हैं इनको भी खोल देंगे। अब इस ऊपर वाले पार्ट को अलग उठा लेते हैं। अब इसके डिस्कवर को उठाते हैं और इसको एक साइड रख देते हैं। डिस्कवर के नीचे हम देखते हैं इसमें डिस्क और डिस्क होल्डर इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। इस डिस्क और डिस्क होल्डर को एक साइड लेके इस पर देखेंगे, यहां पर कोई रस्टिंग तो नहीं जमी हुई इस वाले सरफेस पर।